हेलो एवरीवन, दिस इज़ निधि सहानी एंड आई एम योर डाइटिशियन। आज मैं आपसे सोयाबीन के बारे में डिस्कस करूँगी। सोयाबीन आपके लिए वेट लॉस के लिए अच्छा है या नहीं ये जानते हैं, और आप इसे किस तरह खा सकते हैं। सोयाबीन मार्केट में तीन तरह का अवेलेबल है, एक ब्लैक सोयाबीन, ब्राउन एंड वाइट। जो ब्लैक सोयाबीन होता है वह आयरन एंड प्रोटीन रिच होता है। ब्राउन में ब्लैक से थोड़ा सा कम आयरन होता है, बट प्रोटीन जो होता है वो गुड क्वांटिटी में होता है, एंड वाइट सोयाबीन इज़ वेरी गुड ऑन प्रोटीन्स। अब यह जानते हैं कि आप सोयाबीन खा सकते हैं या नहीं। फीमेल्स में लिप्टीन पाया जाता है जो मेल्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है, जो आपकी सोया प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसीलिए सोयाबीन जो है फीमेल्स के लिए अच्छा है, बट रिफाइंड सोयाबीन हम मेल्स को भी दे सकते हैं। मेल्स जो है रिफाइंड सोयाबीन अच्छा डाइजेस्ट करते हैं। अगर हम देखें तो प्रोटीन पाउडर्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं उसके पीछे लिखा होता है कि सोया प्रोटीन एडेड, मतलब सोया जो है वो एक हाई प्रोटीन चीज़ है जो आपको ना ही प्रोटीन देती है बट आपकी इम्यूनिटी भी बिल्ड करती है। अगर आप सोयाबीन अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं तो आप अच्छा वेट लॉस पा सकते हैं। सोयाबीन जो मार्केट में बहुत अलग अलग तरह से मिलता है, जैसे सोयाबीन की दाल, सोयाबीन नगेट्स, चिप्स, नूडल्स, आजकल सोया आटा भी अवेलेबल है मार्केट में। अगर हम यह है अपनी लाइफस्टाइल में फीमेल्स की बात कर रही हूँ, अगर लाइफस्टाइल में फीमेल्स इंक्लूड करती हैं तो वेट लॉस अच्छा पाएंगी। सोयाबीन का दूध, सोया मिल्क या टोफू भी मार्केट में अवेलेबल है, जो फीमेल एंड मेल दोनों खा सकते हैं और पी सकते हैं, क्योंकि यह रिफाइंड सोयाबीन से बनता है तो यह फीमेल्स और मेल्स दोनों अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर लेती हैं। ये ना ही आपको हाई प्रोटीन देता है, साथ ही वेट लॉस में हेल्प करता है। किसी को अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या नहीं भी है तो ज़रूर यह ज़रूर सोच लें कि जब भी आप यह प्रोटीन खा रहे हैं तो इसके साथ ग्रीन वेजिटेबल्स या सैलेड ज़रूर खाएं, क्योंकि अदरवाइज़ अगर आप यह नहीं खाते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर किसी का यूरिक एसिड हाई है तो सोयाबीन अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड ना करें, क्योंकि हाई प्रोटीन होने के कारण यह यूरिक एसिड और बढ़ा सकता है। अगर आप सोयाबीन इंक्लूड करना चाहते हैं तो मॉर्निंग में नाश्ते में सोयाबीन चाट, नूडल्स या सैलेड बना के खा सकते हैं। अगर आप फीमेल हैं तो बेझिझक अपनी लाइफस्टाइल में किसी भी फॉर्म ऑफ सोयाबीन ऐड करें। अगर आप मेल हैं तो टोफू और सोया मिल्क की फॉर्म में आप सोयाबीन ले सकते हैं। तो अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नेक्स्ट वीडियो का वेट करें।